हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्लॉटी सुधांशु। दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो हमारी बेसिक बिगिनर फ्लूट ट्यूटोरियल है। ये पहला फ्लूट ट्यूटोरियल है जो कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जिन लोगों को फ्लूट सीखने की इच्छा है और वो बहुत ही स्टार्टिंग से फ्लूट सीखना चाहते हैं कुछ बेसिक लेवल से और किसी वजह से सीखना स्टार्ट नहीं कर पाए हैं, तो वो मेरे साथ आज से फ्लूट सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। और आज मैं दो बहुत बेसिक पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ जो उस हर इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है जो फ्लूट सीखना स्टार्ट करना चाहता है, उसे फ्लूट बजाने बिल्कुल भी नहीं आती। दोस्तों ये उन लोगों के लिए नहीं है जो फ्लूट बजा रहे हैं ऑलरेडी, उनके लिए मैं आगे एडवांस लेसन बनाऊंगा, वो वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं, बट ये उन लोगों के लिए है जो फ्लूट नहीं जानते। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, आज मैं दो पॉइंट्स कवर करूंगा जैसे कि मैंने कहा। दोस्तों उनमें से पहला पॉइंट ये है कि हम कैसे फ्लूट में से पहली साउंड को प्रोड्यूस करें और कैसे परफेक्टली पहली साउंड प्रोड्यूस करें और ब्लोइंग टेक्निक को सीखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं कहूँगा किसी भी बिगिनर के लिए, क्योंकि ब्लोइंग टेक्निक और बिल्कुल साफ आवाज़ निकालना बहुत ही मुश्किल होता है स्टार्टिंग में। और आपने एक बार ये सीख लिया तो आप फ्लूट सीखने का बहुत बड़ा पार्ट कवर कर लिया मैं कहूँगा। तो दोस्तों सेकंड पॉइंट ये है कि आप कैसे फ्लूट को परफेक्टली होल्ड करें, कैसे परफेक्टली अपने हाथों पर बैलेंस करें कि आपके हाथों से फ्लूट ना गिरे और परफेक्ट किस पोजिशन में आप बैठें कि आप फ्लूट बहुत अच्छे से बजा पाए और आपके किसी बॉडी में पेन ना हो, आपकी ब्रीदिंग प्रॉपर रहे। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं सीखना। हमारा पहला पॉइंट है कि हमें ब्लोइंग टेक्निक का सही इस्तेमाल कैसे करना है और एक क्लियर साउंड अपनी फ्लूट से कैसे प्रोड्यूस करनी है। दोस्तों मेरे पास इस टाइम एक जी स्केल की फ्लूट है जो कि पूनम फ्लूट है और ये प्रोफेशनल फ्लूट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रोफेशनल फ्लूट ही खरीदें, आप कोई भी फ्लूट का यूज कर सकते हैं, कोई भी स्केल, जो भी स्केल आपके पास हो आप उस स्केल का यूज करके फ्लूट सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जी या फिर सी स्केल का यूज करें तो आपको सीखने में आसानी होगी, स्टार्टिंग में आपको हैंडल करना फ्लूट पे आसानी होगी। तो दोस्तों ये देखिए, ये है ब्लोइंग होल और इस फ्लूट में आगे छह होल हैं, इन होल से हम सुर बजाएंगे, सरगम बजाएंगे। और ये एट्थ होल है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये इसको ब्यूटीफाई करता है फ्लूट को, एक स्वीट टच देता है फ्लूट को। और ये पूरी फ्लूट दोस्तों बैम्बू से बनी है, ये तो कॉमन बात है, सब आप जानते ही होंगे। तो दोस्तों ये जो होल है, ब्लोइंग होल है, आज हमें इसका ही यूज करना है सर। इसका हमें कैसे यूज करना है वो हम ब्लोइंग टेक्निक में सीखेंगे। ब्लोइंग टेक्निक ये है कि जो सर्कल है, ये जो होल है, इसका जो इनर एज है ये आपके होठों होठ के लोअर लिप के एज पे जब प्लेस होगा और ब्लो करेंगे तो एक साउंड प्रोड्यूस होगी। ये कुछ इस तरह प्लेस होगा कि आप अपने होठों को स्ट्रेच करेंगे, नीचे वाले होठ को, सिर्फ लोअर लिप को स्ट्रेच करेंगे, ऊपर वाले होठ को ऊपर प्लेस करेंगे तो आपके होठों के बीच में एक सर्कल बनेगा जिसकी वजह से जो हवा है वो डायरेक्ट इस ब्लोइंग होल में जाएगी और हमारी एक क्लियर साउंड प्रोड्यूस होगी। इसे कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दोस्तों जब पहली बार करेंगे आपकी एयरी साउंड आएगी, एयर आएगी, तो आप ये मैं सोचेंगे कि क्लियर साउंड क्यों नहीं आ रही। वो दोस्तों इसलिए नहीं आ रही क्योंकि ब्लोइंग टेक्निक पहली बार में सही नहीं हो जाती, प्रैक्टिस करेंगे सही हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ कि एयरी साउंड कैसी होगी, क्लियर साउंड कैसी होगी, उसे आप कैसे सही करेंगे, सारी ट्रिक्स आपको अभी बताता हूँ। तो देखिए एयरी साउंड में आपको बता के दिखाऊंगा, लोअर लिप को मैं ऐसे यहाँ प्लेस करूंगा और मैं एक एयरी साउंड का एग्जाम्पल दूंगा। आप देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे कि इसमें एक एयर की आवाज आ रही है, क्लियर नहीं है। अब दोस्तों आपको क्लियर साउंड दिखाऊंगा, ये पिछली वाली से क्लियर थी और ये क्लियर साउंड थी जो एक बिगिनर जब फ्लूट सीखना स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले उसे यही साउंड प्रोड्यूस करना सीखना है,
जब वो ये साउंड प्रोड्यूस कर पाएगा तभी वो नेक्स्ट स्टेप पे आगे जा पाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है बिल्कुल किसी बिगनर के लिए। तो इसमें हमें क्या करना है, जिसमें बताया होटो को स्ट्रेच करना है ऐसे और यहाँ रखना है एज पे और ऊपर वाले होट को इस पे प्लेस करना है ऐसे और लंबे से लंबाई से बजाते जाना है। जितना लंबा बजाएंगे उतनी आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ेगी, उतना अच्छा इसको बजा पाएंगे। दोस्तों क्या है, अगर आपको चेक करना है कि आपकी सारी हवा इस होल में जा रही है या नहीं जा रही, तो एक बहुत आप सिंपल ट्रिक का यूज कर सकते हैं। इस फ्लूट को ऐसे पकड़िए और इस हाथ को अपने लेफ्ट हैंड को यहाँ लेके आइए बिल्कुल होल के नीचे और बजाइए। अगर कोई भी साउंड आपके इस हाथ पे, कोई भी हवा आपके इस हाथ पे लगती है, तो इसका मतलब आप फ्लूट सही नहीं बजा रहे, आप ब्लोइंग टेक्निक सही नहीं बजा रहे। तो आपको अपने आपको चेक करना है अपने फ्लूट को अलग अलग एंगल पे रख के ऐसे। इस जगह पे सही साउंड आई तो आपको ऐसे ही बिल्कुल जैसे मैंने चेक किया, आपको बिल्कुल इसी तरीके से आपको चेक करना है कि आपके होठों पे किस जगह पे सही एंगल बैठ रहा है, किस जगह पे साउंड को एकदम क्रिस्टल क्लियर आ रही है। दोस्तों हर किसी के होठों का स्ट्रक्चर अलग है, हर किसी के होठ अलग तरह से प्लेस होंगे, आपको वही चेक करना है, आपको बार बार चेक करना है। आप हर बार ऐसे फ्लूट उठाइए और ऐसे बजाइए, फिर रखिए, फिर उठाइए। जब तक आप सही, हर बार आप सही नहीं बजा लेते तब तक आप इस चीज को, इस एक्सरसाइज को करिए, रेगुलर करिए। इससे आपके हाथों को, दिमाग को, फ्लूट को, आपके होठों को ये आदत हो जाएगी कि सही जगह पे ही आके प्लेस होगी और आप एकदम फ्लूट बजा पाएंगे। ये सारे दोस्तों बेसिक पॉइंट्स हैं सारे ब्लोइंग टेक्निक के। इसको आप जैसे जैसे यूज करेंगे, जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये शार्प होता जाएगा और अच्छा होता जाएगा ये ब्लोइंग टेक्निक, और आप धीरे धीरे एक परफेक्ट क्लियर साउंड बजा देंगे, जो कि आपका पहला स्टेप होगा फ्लूट सीखने की तरफ। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जी जान लगा के इसको प्रैक्टिस करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिगनर के लिए। दोस्तों ये हमारा पहला पॉइंट था, अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। तो चलिए सेकंड पॉइंट से हम सीखना स्टार्ट करते हैं। हमें सेकंड पॉइंट में दोस्तों हमें ये सीखना है कि हमें अपनी फ्लूट को परफेक्टली कैसे होल्ड करना है कि हमारी फ्लूट हमारे हाथ पे सही से बैलेंस भी रहे और हम एक सही साउंड भी प्रोड्यूस कर पाए और हमारी फ्लूट हमारे हाथों से गिरे भी ना। दोस्तों क्या तरीका है हमें वो देखना है आज। तो हमें दोस्तों क्या करना है, अपनी फ्लूट को ऐसे उठाना है, अपना राइट हैंड लेना है, राइट हैंड में हमें फर्स्ट फिंगर का मिडिल पार्ट, सेकंड फिंगर का मिडिल पार्ट और थर्ड फिंगर का बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट यूज करना है। क्या करना है, हमारी इस फ्लूट में 6 होल हैं, 1 2 3 4 5 6, और इन होल्स में हमें क्या करना है, सबसे पहले जो फोर्थ होल है, फोर्थ होल पे राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर का मिडिल पार्ट ऐसे रखना है और फिर सेकंड फिंगर का मिडिल पार्ट आपको फिफ्थ होल पर रखना है, फिर थर्ड फिंगर का लास्ट वाला पार्ट आपको सिक्स्थ होल पर रखना है और अपने थंब को यहाँ रखना है इस जगह ऐसे, ये देखिए यहाँ पे थंब रखना है, और छोटी वाली फिंगर को फ्लूट पे ऐसे भी रख सकते हैं या फिर हवा में भी छोड़ सकते हैं। बहुत जेंटली आपको हाथ रखना है, टाइट रखने से कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना है, अब लेना है अपने लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर मिडिल पार्ट, सेकंड फिंगर मिडिल पार्ट, थर्ड फिंगर का लास्ट पार्ट, वही सेम रूल अप्लाई होगा। आपको क्या करना है, अपने फर्स्ट फिंगर को लेना है, फर्स्ट होल पे रखना है मिडिल पार्ट, सेकंड होल पे सेकंड फिंगर मिडिल पार्ट, थर्ड होल पे थर्ड फिंगर और लास्ट का पार्ट ऐसा करना है। थंब को यहाँ रखना है, ये वाला थंब यहाँ, ये वाला थंब यहाँ, ये छोटी फिंगर यहाँ नीचे, ये वाली छोटी फिंगर यहाँ फ्लूट पे। बहुत जेंटली आपको हाथ रखना है दोस्तों। और अब क्या करना है, अपने फ्रूट पकड़ने जो सीख लिया है ये बिल्कुल सही तरीका है फ्रूट पकड़ने का, ऐसे आप फ्रूट पकड़ने सीख गए हैं। अब आपको क्या करना है, आपको बॉडी पोस्चर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आपकी वोकल कॉर्ड में से ब्रेथ सही से ब्रेथ आउट हो पाए, सही से आप सांस को बाहर निकाल पाए, जिससे आप एक परफेक्ट साउंड जो आप बजाना चाहते हैं वह बजा पाए, आपकी एक साउंड क्लियर आए। उसके लिए आपको बॉडी पोस्चर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बॉडी पोस्चर में क्या करना है, अपनी बॉडी को हल्का सा राइट रखना है, मैं हल्का सा राइट ही बैठा हुआ हूँ, ऐसे राइट रखना है और अपने नेक को, सर को ऐसे मोड़ना है लेफ्ट की तरफ और फ्लूट को ऐसे डायगनली रखना है हवा में, बिल्कुल हाथों पे परफेक्टली बैलेंस, और अपने होठों को जैसे मैंने सिखाया था ब्लोइंग टेक्निक में बिल्कुल वैसे ही एज पे प्लेस करना है और साउंड प्रोड्यूस करनी है।
ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है रुक को होल्ड करने का, साथ के साथ साउंड प्रोड्यूस करने का। ब्लोइंग टेक्निक में हमने ये सीखा था कि हमें कैसे साउंड प्रोड्यूस करनी है। मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा ब्लोइंग टेक्निक में, कि हमें क्या करना है, अपनी ब्लोइंग टेक्निक को इंक्रीज करना है। इसका क्या मतलब है, हमें बहुत लंबे टाइम तक एक साउंड प्रोड्यूस करनी है। उस साउंड प्रोड्यूस करने में कैसे करनी है, जैसे मैंने आपको बताया था ब्लोइंग टेक्निक से आप कैसे एक परफेक्ट साउंड प्रोड्यूस करेंगे, उस परफेक्ट साउंड को कितनी देर तक कितना लंबा बजा सकते हैं, हमें उस चीज की प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों क्या होता है, अगर हम कोई सांस लेते हैं उसको होल्ड करते हैं अपने लंग्स में, तो हम 1.5 मिनट 2 मिनट तक उसे होल्ड कर लेते हैं आराम से। लेकिन जब हमें उसी सांस को होल्ड करके बहुत धीरे धीरे ब्रेथ आउट करना होता है, तो हम इतनी देर तक नहीं कर सकते, हमारे कुछ सेकेंड्स में ही ब्रेथ खत्म हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें उसी कैपेसिटी को इंक्रीज करना है और इसी की प्रैक्टिस करनी है। लंबी सांस से लेके जितना लंबा हो सके हमें साउंड प्रोड्यूस करनी है, और हमें साउंड कंटिन्यूसली आती रहनी चाहिए। हम स्टार्टिंग में ये कर सकते हैं, आप इस चीज को चेक कर सकते हैं कि कितनी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को आप स्टॉप वॉच लगा के चेक कर सकते हैं। स्टॉप वॉच लगाइए, साउंड प्रोड्यूस करना स्टार्ट करिए, जब आपकी सांस खत्म हो जाए स्टॉप वॉच को रोकिए, देखिए कितने सेकेंड्स तक आपकी साउंड प्रोड्यूस हुई है, उसको कहीं लिख लीजिए। और क्या करिए, कुछ हफ्तों तक प्रैक्टिस करिए, कुछ महीनों तक प्रैक्टिस करिए ब्लोइंग टेक्निक की, और चेक करते रहिए कुछ कुछ दिनों में कि आप कितना उसमें इंक्रीज कर पाए हैं, उस वैल्यू को कितना बढ़ा पाए हैं, उस सेकंड को कितना बढ़ा पाए हैं। ऐसे करेंगे आप देखेंगे कि लंग कैपेसिटी बढ़ रही है, आपको मोटिवेशन भी मिलेगा इस चीज से, और देखेंगे कि ब्लोइंग टेक्निक भी अच्छी होती जा रही है, स्किल शार्प होती जा रही है आपकी, आपके हाथ सही से सेट होने लगे हैं धीरे धीरे फ्लूट पे। कुछ टाइम तक यहाँ दर्द रहेगा, रह सकता है, जरूर नहीं रहे, और वो दर्द धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, वो क्रैम्प धीरे धीरे चले जाएंगे, जैसे फ्रूट सही से पकड़ना सीख जाएंगे। इस जब आप इस चीज की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके हाथ सेट हो जाएंगे, ब्लोइंग टेक्निक अच्छी हो जाएगी, तो आप नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे फर्स्ट पॉइंट को ही आपको कवर करना है, ब्लोइंग टेक्निक को ही अच्छा करना है, और बीच बीच में आपको हाथ रख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप ऐसे, और कुछ चाहे तो ट्राई भी कर सकते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे मैं आपको सिखाऊंगा, सरगम वगैरह मैं आपको सिखाऊंगा, उस चीज का वेट करिए, आगे वाली वीडियोस का वेट करिए। तो ब्लोइंग टेक्निक की प्रैक्टिस करिए, हाथों को सही से रखने की प्रैक्टिस करिए, और फ्लूट बजाना आप स्टार्ट कर दीजिए, सीखना स्टार्ट कर दीजिए। मैं बहुत डिटेल लेसन लेके आया हूँ, ये बहुत डिटेल में मैंने समझाया, लंबा हो सकता है लेसन, आगे वाले लेसन भी बहुत डिटेल होंगे, कोई पॉइंट मिस नहीं करना चाहता, कोई गलती कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहता बिगिनर्स के लिए। बिगिनर्स के लिए सीखना बहुत जरूरी होता है अच्छे से। तो थैंक यू दोस्तों आज की वीडियो देखने के लिए, ये दोनों पॉइंट दिमाग में रखिए, इस एक्सरसाइज को बार बार करिए, जितनी ज्यादा कर सकते हैं उतनी करिए, टाइम निकाल के फ्रूट अच्छे से सीखने की कोशिश करिए। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा समझाया हुआ लेसन आपको समझ आया हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, कोई प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट सेक्शन में बताएं, मेरी वीडियो को शेयर करिए, जो और लोग फ्रूट सीखना चाहते हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए। थैंक यू दोस्तों आज की वीडियो देखने के लिए, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का लेसन कंटिन्यू करेंगे और आगे फ्रूट बजाना सीखेंगे। थैंक यू दोस्तों।